रोड ब्लॉक करके रियासी इदारों के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम। गुजरावाला में दो MPS के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तारिक गुजर और कलीम उल्ला समेत 60 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन बताइए, पुलिस से क्या मौकिफ है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज रोड ब्लॉक करके रियासी इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और इस पर पुलिस ने जो है वो एक्शन लिया है। और MPA है तारिक गुजर, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, और कलीमुल्ला खान है MPA, दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा जो है वो थाना दुल्ले में दर्ज किया गया है। और पुलिस का यही कहना है कि इन्होंने अपने साथियों को जमा किया, रोड ब्लॉक किया, रियासी इदारों के खिलाफ जो है नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस जब वहाँ पहुंची तो ये लोग जो है मुंतशिर हो गए। तहम इन्होंने बार बार जो है मुंशी होने के बाद दोबारा से रोड ब्लॉक किया और नारेबाजी करते रहे, कानून ने हाथ में लेते रहे, जिसके इनके खिलाफ कानून हरकत में आया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, अपना आगाह किया। गुजरावाला के बाद रहीम यार खान में भी सड़क ब्लॉक और नारेबाजी करने के इल्ज़ाम में PTI कारकुनान के खिलाफ दो मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। FIRs में MPA आसिफ मजीद समेत 87 अफराद को नामजद किया गया है। मजीद जान लेते हैं, समागर नुमाइंदे मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद फैसल, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल, यह गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एहतजाज करने पर रहीम यार खान के दो थानों में जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। थाना कोर्ट समावे और सी डिवीजन में ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें MPA समेत 37 नामजद और 50 नामरूप अफराद के खिलाफ जो है ये रोड ब्लॉक करके और एम्प्लीफायर एक्ट के खिलाफ जो है ये एहतजाज करने पर मुकदमा जो है ये दर्ज किए गए हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका।